मिस्टर पाठक, मैं आज आपके पास एक अजीब सा केस लेके आया हूं, अपनी निर्दोष भूख कल्पना को लेकर। उस पे हत्या का इल्जाम है। निर्दोष बहु, तो स्पष्ट है कि आपको नहीं लगता कि हत्या उसने की है? नहीं, हत्या उसी ने की है और मैं उसका चश्मदीद गवाह भी हूं। ब्रिज जी, मैं समझा नहीं। तब आप स्वयं कह रहे हैं कि आपकी बहू ने हत्या की है और आपने देखा है, आप चश्मदीद गवाह हैं, आई विटनेस हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मिस्टर पाठक, मेरी बहू कल्पना को एक बीमारी है। 4 दिन पहले की बात है, रात के 2:30 बजे होंगे, क्या करने जा रही थी? चल नीचे आओ, नीचे आओ। गिर जाती तो? मुझे नहीं पता मैम, यहाँ कैसे आई? कल्पना, कल्पना, तुम यहाँ क्या कर? क्या हुआ पापा? नींद में चलने की बीमारी की वजह से यहाँ से कूदने वाली थी। और तुम देख रही थी, रोका नहीं इसे। कूद जाती तो तुम देखती रहती क्या? नवीन, मैं जानती हूं कि मम्मी जी मुझे पसंद नहीं करती है, पर इतनी नफरत, अगर बेहोशी की हालत में मैं छत से कूद जाती तो वो मुझे नहीं रोकती, मुझे मरा देखना चाहती है। नहीं नहीं कल्पना, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सारी फसाद की जड़ तुम्हारी नींद में चलने की बीमारी है। अभी तुम रो मत, हम कल ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। आपके नींद में चलने की बीमारी की वजह है एंटी हिस्टामाइन्स। ये दवा जो आप अपने स्किन एलर्जी के लिए लेती हैं, इस दवा को बंद कीजिए, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर, ये बीमारी काफी पुरानी है। लेकिन आप ये दवा भी तो काफी समय से ले रही हैं ना? देखो ब्रिज, वो जमीन तुम्हारे दादाजी है, मतलब कि मेरे बाबूजी की, उसमें से ज्यादा तुम्हें 20 एकड़ मिल सकता है। उसका तुम्हें जो करना है तुम कर लो। लेकिन वो अकेले कोने वाले टुकड़े को खरीदने के लिए कोई तैयारी नहीं, और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। वो अगर आप और रमन मान जाए तो पूरी जमीन को बेचकर जो पैसा है हम लोग आपस में शेयर। नहीं भैया, मैं अपने हिस्से की जमीन क्यों बेचूं?
मुझे नहीं बेचनी मेरी जमीन। ठीक है, तो मामला हम कोर्ट में ले जाएंगे। निर्मल, ये क्या कह रही हो तुम? उस जमीन के असली कागजात और दादाजी की असली वसीयत हमारे पास है। हम चाहें तो आप सबको बिना बताए सौदा कर सकते हैं। Enough. सुनिए तो, रुके ना। नवीन, मुझे लगता है कि मम्मी जी को ये कोर्ट कचहरी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। अब घर का मामला है, आपस में ही सुलझा देते तो देखो, अच्छा। देखो कल्पना, तुम इन सब में मत पड़ो। ये जायदाद का बखेड़ा कोई अब का नहीं है, पिछले 20 सालों का है। तुम सो जाओ आराम से, चलो। इतनी रात को किसका फोन है? नहीं, ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा सुनो, तुमने वो एंटी एलर्जी दवा तो नहीं खाई ना? नहीं, डॉक्टर के कहने के बाद तो मैंने बंद ही कर दिया। गुड, अच्छा सो जाओ। साथ आपको ये लगता है कि आपकी बहू ने आपकी पत्नी की हत्या की नहीं, भूल से हत्या हो गई उनकी बीमारी के चलते। कल्पना बहुत पढ़े लिखे खानदान से है पाठक साहब। उसने MBA किया है, मेरे बेटे से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी है। क्या वो हत्या करेगी? सोचने वाली बात है। खैर, आपके सुपुत्र नहीं आया आपके साथ? उसका तो दुगना नुकसान हुआ है। एक तरफ उसकी मां है और दूसरी तरफ पत्नी। पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। भगवान नीलिमा भाभी की आत्मा को शांति दे। बड़ी नेक औरत थी, हम सबका कितना ख्याल रखती थी। सुनिए जी,
उस रात आप कहाँ चले गए थे? फल खाओ बालिके, पेड़ की चिंता मत करो। योर ऑनर, इस फाइल में दुनिया भर के स्लीप वॉकिंग के 153 केसेस का लिखा चिट्ठा है। हर केस में निर्णय आरोपी के पक्ष में गया है योर ऑनर, क्योंकि यह बीमारी प्रमाणित हुई। योर ऑनर, स्लीप वॉकिंग के कई कारण हैं। स्लीप डेप्रिवेशन, बहुत कम नींद होना, स्लीप एपनिया इत्यादि इत्यादि। और मेरे मुवक्किल कल्पना जी के केस में जो दवा ये लेती है अपनी त्वचा की एलर्जी के लिए, उसका साइड इफेक्ट। एक्सक्यूज मी, कल्पना को सिर्फ त्वचा की एलर्जी नहीं थी, और भी एक बहुत बड़ी एलर्जी थी, सांस की एलर्जी। इसीलिए उन्होंने जो किया वो किया। खैर, वो मैं बाद में साबित करूंगा। पहले आप मुझे ये बताएं विद ऑल योर एक्सपर्टीज कि जिस दिन कल्पना जी ने उसकी सास का मर्डर किया, उस दिन तो उन्होंने दवाई ली ही नहीं थी नींद की, फिर भी नींद का दौरा क्यों पड़ा? या दौरा था या कुछ? नहीं, नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप कि ये जो स्लीप वॉकिंग इन्होंने की, ये एक ढोंग था, नाटक था, ऐसा इन्होंने किया ताकि ये अपनी सास की हत्या कर सके? Yes. ये कह रहे हैं? Yes, मैं यही कह रहा हूं। और ये इसलिए किया क्योंकि सिंपल लॉजिक, सास ने किया बार बार धुतकार, कट टू बहू हुई बीमार, कट टू बहू ने किया सास पे जानलेवा वार, कर दिया। बेकार, आपकी थ्योरी बेकार जसवाल साहब। रिपोर्ट तो आपने पढ़ी होगी कि घटना से दो दिन पूर्व ही स्लीप वॉकिंग करते करते कल्पना अपने घर के छत पर चली गई थी और कूदने वाली थी, तो स्वयं अपनी जान क्यों देखी? No, to gain sympathy? क्या है योर ऑनर, बीमारी का नाटक किया, ऐसे चलते 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 वहां पे गई ताकि सबको ऐसा लगे कि रे रे बेचारी बीमार है, अभी कूद जाएगी। द मोमेंट दैट वाज प्रूव्ड दैट शी इज मेंटली नॉट स्टेबल, बीमार है, बस बीमारी का फायदा उठाया, दो दिन बाद सास को। चलिए, जब इतना बता दिया है तो हत्या का कारण भी बता दीजिए, लेकिन ये मत कहिएगा कि सास बहू में खिटपिट थी, क्योंकि अनुसार तो फिर विश्व की हर सास। नहीं नहीं, वो खिटपिट वाली दुश्मनी वो कॉमन है, वो तो दुनिया में चलते रहता है, वो नहीं है, ये जानलेवा दुश्मनी। और क्यों जानलेवा थी वो भी मैं आपको बताता हूँ, यूं ही तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, है मेरे पास कारण है ना। ये है वो कारण, ये तस्वीर है नर्मदा जी की, और कल्पना जी की सास नीलिमा जी ये चाहती थी कि उनके बेटे नवीन की शादी नर्मदा जी से हो, क्योंकि इनको लगता था ये सुंदर सुशील बहू है। लेकिन नवीन की शादी हो गई, हाई फाई मॉडर्न लड़की ये कल्पना जी के साथ, ये बात नीलिमा जी को बहुत खटक रही थी। इसलिए नीलिमा जी के प्लान अनुसार वो चाहती थी कि किसी भी तरह वो कल्पना जी को हटा दे और नर्मदा जी को घर में फिट कर दे। अब इस बात का कल्पना जी को पता चल गया, तो कल्पना जी आपने क्या किया, क्या किया आपने इससे पहले कि आपकी सास आपको घर से गेट आउट करे, आपने लाइफ से उनको गेट आउट कर दिया। नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने जो कुछ भी तब मैं होश में नहीं थी, मैं सच कह रही हूँ। मिस्टर पाठक, आप तो जानते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना कि वो बीमारी मुझे 10-12 साल से, और तभी से मैं नींद में चलती हूँ। आप प्लीज इन्हें बताइए ना, मैं सच कह रही हूँ। नवीन, नवीन इन्हें बताइए ना कि ये बीमारी है, मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ, प्लीज इन्हें बताइए ना।
नवीन चुप क्यों? तुम कुछ तो बताओ। देखिए सर, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं जो इसका जवाब दे सकूं कि कल्पना जो कर रही थी वो रियल था या एक्टिंग। अरे कमाल करते हो तुम, अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में जानते हो और पति होकर सपोर्ट नहीं कर रहे उसे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पाठक साहब विटनेस को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। योर ऑनर सस्टेन। हत्या के समय तुम कहां थे? मैं सो रहा था सर, और अगर मैं जगा होता तो अपनी मदर को मरने से बचा नहीं लेता। साहब मैं तो रसोई में सो रही थी, तभी मैंने कॉरिडोर से कांच के टूटने की आवाज सुनी, लगा कुछ तो गिरा होगा। जाकर देखा तो कैंडल लैम्प टूटा हुआ था, लेकिन कांच के टुकड़े मैंने तभी साफ कर दिए थे ताकि सुबह वो किसी के पैरों में ना लगे। लेकिन तभी सर जी, हम दोनों भी उस वक्त अपने कमरे में सो रहे थे, फिर अचानक हमने चीखे सुनी और भाभी की कभी कोई फूल ही नहीं कर सकता, मां समान देवी थी वो, बहुत याद आती है उनकी। योर ऑनर, उस हादसे का अगर कोई चश्मदीद गवाह है तो वो सिर्फ मैं। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को लिख रही। योर ऑनर, मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है कि मेरी बहू ने वो हत्या बेहोशी में की। मिस्टर पाठक, मिस्टर जायसवाल, सारे गवाहों की गवाही सुनने के बाद एक बात क्लियर है कि नीलिमा मिश्रा की हत्या उनकी बहू कल्पना मिश्रा के हाथों हुई, लेकिन ये बीमारी के तहत हुई एक हत्या थी या हादसा था या फिर सोचा समझा षड्यंत्र, ये बात अभी क्लियर नहीं है। वो मैं क्लियर कर देता हूँ मेरी अगली गवाह की मदद से। कल्पना जी की कॉलेज की दोस्त सना श्रॉफ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कटघर में बुलाना चाहूंगा। यार इजाजत है सर, कल्पना और मैं नागपुर के डीएम के कॉलेज में एक ही हॉस्टल में थे। वहाँ कल्पना की नींद में चलने की बीमारी के बारे में सब जानते थे, और हॉस्टल में ना एक लड़की थी जिसकी कल्पना से बिल्कुल नहीं बनती थी, और उसका नाम था नशा। पागल हो गई है, पकड़े जाएंगे। चिल यार सना, तू कितना डरती है, कुछ नहीं होगा। बस तू आज रात को ना मेरी एक्टिंग दे, उस निशा की बच्चे को ना ऐसा सबक सिखाऊंगी। तू पागल हो गई क्या? मैम, मैं यहाँ कैसे तुम्हारे कमरे में? लगता है नींद में चल के आ गई मैं। एक्टिंग मत कर, मुझे सब पता है कि तूने सब जानबूझ के किया। नहीं निशा, अब देख प्रिंसिपल से कंप्लेन करके अगर तुझे सस्पेंड नहीं करवाया ना तो मेरा नाम भी निशा नहीं। निशा, निशा ट्रस्ट मी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई मीन सुन, आई एम सॉरी यार। सो वो तो कॉलेज के दिनों की मस्ती थी, उसके बाद मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हैं आप। एक मिनट जायसवाल साहब, योर ऑनर, मजाक मजाक में बीमारी का बहाना बनाकर किसी पर पानी फेंकना ये अलग बात होती है, और क्रोधित होकर किसी की हत्या करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर? कोई अंतर जंतर मंतर कुछ नहीं है। आई टेल यू व्हाट इट इज, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। कल्पना जी ने तब भी योर ऑनर बीमारी का फायदा उठाया था, और इस बार भी बीमारी का फायदा उठाया है। This girl is playing with all of us, Your Honor. और मैं यूँ ही नहीं कहता हूँ, I'll prove it. बोलो सर, 10 दिन पहले जब कल्पना ने तुम्हें फोन किया था तो क्या कहा था? बताओ। यही कि वो अपनी सास से तंग आ चुकी है और एक दिन नींद में चलकर अपनी सास का कत्ल कर दी। Order, order. वो तो मैंने गुस्से में आके कहा था। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं जाके खून। मिस्टर पाठक, मैं
ब्रिजी आपकी बुआ वो पिछली सुनवाई में उपस्थित नहीं थी, दिखाई नहीं। तो दरअसल मैं नीलिमा के क्रियाक्रम के बाद दूसरे दिन इलाहाबाद चली गई, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। मिस्टर पाठक, क्या लगता है आपको, कल्पना ने उस रात ड्रामा किया होगा? जी मुझे लगता है कि दुलारी जी आपने अदालत में बोला था कि घटना की रात कुछ टूटा था, फूलदान या कैंडल लैम्प, कहाँ टूटा था बता सकती है वो जगह मुझे? जी क्यों नहीं, जी आइए सर। यहाँ नीलिमा जी का कमरा फिर वहीं होगा, आइए। अंदर कोई है क्या? नहीं सर, वो दरवाजे का लॉक खराब है, सिर्फ अंदर से ही खुलता है, बाहर से खोलने के लिए आपको चाबी की जरूरत होगी। रुकिए मैं। नहीं नहीं, कौन सी चाबी है? ये। हाँ हाँ पता है। अरे भाई साहब, चुप चुप क्या क्यों देख रहे हैं? आइए सामने आइए, बेहतर दिखेगा। नहीं नहीं बस ऐसे ही, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ कि हवा खा रहा था। आइए आइए। हाँ ब्रिजी, इस कक्ष का जो द्वार है वो बाहर से बिना इस चाबी के खुलता नहीं, तो क्या उस रात द्वार में लगी हुई थी चाबी? नहीं, मेरा मतलब नहीं नहीं, हाँ नहीं लगी हुई थी चाबी, तो वहां की रैक पे थी, तो फिर खुला होगा दरवाजा? नहीं बिल्कुल नहीं, एसी ऑन था और दरवाजा खुद मैंने बंद किया था। आप ये सब पूछ क्यों रहे? पूछ इसलिए रहा हूँ ब्रिज जी, क्योंकि जो चाबी है वो वहां थी, तो फिर अंततः कैसे कल्पना ने ये दरवाजा खोला? इसमें सोचने वाली बात क्या है, कल्पना ने वहां से चाबी ली, ये दरवाजा खोला और अंदर आकर नीलिमा भाभी का मर्डर कर दिया। जी जी, हत्या कर दी और शोरगुल मचा, अफरा तफरी मची, आप सब लोग जाग गए, आप सब लोग यहाँ आ गए, साथ में कुछ देर में पुलिस भी यहाँ आ गई, तो आई एम श्योर कि ये चाबियां जो है ये उस समय कल्पना के हाथ में मिली होगी। नहीं नहीं, जिसका अर्थ ये निकलता है कि फिर कल्पना ने या तो किसी और प्रकार से दरवाजा खोला होगा, पर दरवाजा तो खुलता नहीं है बिना चाबी के, चाबियां की रैक पे थी और हत्या के समय चाबियां कल्पना के हाथ में ही नहीं थी, अगर हाथ में होती तो कैसे, मतलब स्वयं चाबियां उड़कर जाकर की रैक कैसे पहुंच गई, सोचने वाली बात है। वैसे इस समय यहाँ कौन नहीं है? बुआ जी वो इलाहाबाद गई है। कोई और है जो यहाँ नहीं है? वो हाँ नवीन जी, नवीन जी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। अरे अरे डोंट वरी डार्लिंग, पापा जी से मैं बात कर लूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखो अच्छे से। और अरे फोन क्यों काट दिया, बात पूरी कर लेते, मैं वेट कर लेता। जी नहीं बस आप यहाँ? हाँ बस ऐसे ही, ये जो यहाँ से उठकर गई थी उस रात कल्पना? जी, और मैं इधर सो रहा था। राइट राइट, ये दवाइयाँ कैसी? इफ यू डोंट माइंड मे आई टेक लुक? ये जी देख सकते हैं। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा, अरे कोर्ट तक लेके जाऊंगा, लेकिन ये कागज उनके पास पहुंचे कैसे? किसने चुराए कागजात? क्या बात है ब्रिजी,
क्या हुआ? बुआ जी इलाहाबाद अपनी बीमारी की वजह से नहीं गई, जमीन बेचने गई। यहां से असली कागजात और वस्ती छुड़ा कर उन्होंने हमें बगैर बताए आपने जमीन बेच और पैसा खुद रख लिया। क्या इतना बड़ा धोखा? बुआ की बात सुनकर तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है, विस्तार में बताओ, तुम क्या जानती हो? सर मैंने साहब को पेंटिंग के पीछे पेपर्स छुपाते हुए देख लिया था। हाँ, नहीं पसंद मुझे कल्पना, सिवाय नौकरी और डिग्री के अलावा उसके पास है क्या? इसे तो अच्छा होता कि गुप्ता जी की बेटी नर्मदा से हमारे नवीन की शादी करा देते, कम से कम हमारा डूबता हुआ बिजनेस तो बच जाता। कैसी बातें कर रही हो नीलिमा, बिजनेस बचाने के लिए बेटे का सौदा कर देता, लाखों में एक है कल्पना। लाखों के चक्कर में कहीं करोड़ों ना खो बेटे। कुछ नहीं हो, आज इलाहाबाद से आ रही है बुआ जी रमन मधुरा, फैसला हो जाएगा जमीन का और बाऊ जी के विल के मुताबिक तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। खुश हो ना? जी के बार बार कहने पर मैंने वो पेपर्स कुछ पैसों के लिए चुरा कर उन्हें दे दिए थे। ये रख, तूने जो मेरा काम किया ना उसके लिए। अरे बुआ जी, हम आप ही की वजह से तो इस घर में हैं। आप और ये रख, मुंह बंद रखने के लिए। लेकिन इससे ज्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानती सर, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। अदीरा, मुझे नहीं लगता इस केस में ये प्रॉपर्टी वॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। हाय कल्पना, कैसी हो? कल क्या फैसला मेरे खिलाफ होगा? इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता कल्पना। हाँ इतना है कि प्रोसिक्यूटर तुम्हें फांसी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मम्मी जी को जानबूझ के नहीं मारा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं कोशिश करूंगा, पूरा जोर लगाऊंगा, लेकिन कल्पना प्रोसिक्यूशन का केस बहुत तगड़ा है। बस यही कहने आया था कि हो सकता है कि हम ये केस हार जाए। योर ऑनर, 10 मिनट में तो मैं केस यूं जीत जाता हूं, ये 10 मिनट से वेट करवा रहा है पाठक साहब, क्या हो रहा है? क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, अभी आते ही होंगे। मिस्टर पाठक, आपका केस वैसे भी कमजोर है और अगर आपकी क्लाइंट नहीं आई तो व्हाट इज दिस? स्टॉप हर। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर पाठक। हे योर ऑनर, डोंट वरी, ये पाठक साहब का कोई नया नाटक है, अभी कोई ड्रामा करेंगे, फिर कोई पत्ता खोलेंगे, फिर बोलेंगे नहीं ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कल्पना ने ऐसा किया। सर ये नींद में है, इसने जो कुछ भी अभी किया बेहोशी की हालत में किया, शी अस्लीप। कल्पना, कल्पना, कल्पना! मुझे नहीं पता, मैं वहाँ आराम कर रही थी, अपने साथ आराम। ऑर्डर ऑर्डर, सब पीछे बैठ जाइए। मिस्टर पाठक,
What the hell is going on in the name of law? अभी समझाता हूँ यार। Your Honor, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो चाकू है ये नकली है। नकली है तो क्या है? ये सब ड्रामा जो यहाँ पे किया वो क्या असली नहीं था? ये तो अदालत में कोई करता है क्या? मैं मर जाता तो? Your Honor, नहीं Your Honor। मिस्टर जायसवाल शांत रहिए। ये अदालत हकीकत जानना चाहती है। सॉरी बताइए हकीकत। Your Honor, हकीकत तो यही है, जो पिल्स मेरी मुवक्किल कल्पना ले रही थी इनकी त्वचा की एलर्जी के लिए, उसी का साइड इफेक्ट है ये स्लीप वॉकिंग। हाँ, लेकिन उस रात तो कल्पना ने दवाई ली ही नहीं थी ना। ली थी जैसा नहीं। I'm sorry. दी गई थी उन्हें गोली। आज भी उन्हें वो दवा दी गई थी जिसके साइड इफेक्ट्स हम सब ने अभी अदालत में देखे। मैं समझा तो, समझाने का मौका दीजिए मुझे। Your Honor, आज तो इन्हें एक पिल मैंने ही दिया था ताकि अदालत में ये प्रदर्शन कर सकूं। उस रात भी जायसवाल साहब इन्हें पिल दी गई थी जिसका प्रमाण है Your Honor, इनके दवाइयों की शीशी है। Your Honor, चार दवाइयां इसमें से कल्पना ने खाई थी। तत्पश्चात इन्हें साइड इफेक्ट्स होने लगे स्लीप वॉकिंग, और इन्होंने ये बात अपने डॉक्टर को बताई। इनके डॉक्टर ने तुरंत इन्हें ये दवा लेने से मना किया और इन्होंने ये दवा बंद कर। इसमें 50 पिल होते हैं Your Honor, चार जो इन्होंने खाई, एक जो मैंने आज सवेरे इन्हें दी। इस गणित के अनुसार मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ हम गणित में जरा कमजोर है। इस गणित के अनुसार इसमें 45 पिल होने चाहिए, लेकिन इसमें 44 ही है, जिसका अर्थ ये होता है कि उस रात भी किसी ने कल्पना जी को एक पिल दी थी। ये तो वही दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर ने मना किया था कल्पना को लेने से। अब जी, लेकिन आप ये कब से ले रही थी कल्पना ये दवा? जी यही कुछ पिछले 4 दिन से। लेकिन केडी साहब, आप ये सब I'm so sorry, मैं उठा लेता हूँ। रहने दीजिए, मैं उठाती हूँ। Sorry. किसी ने उसे ड्रग दिया ताकि वो नींद में चले? Your Honor, जिस प्रकार से इस बोतल से मैंने आज कल्पना जी को दवा खिलाई, उस अवस्था में इन्हें अदालत तक लेकर आया, बगल वाले कक्ष में इन्हें बिठाया, दवा के प्रभाव से ये गहरी नींद में चली गई और फिर अदालत में स्लीप वॉकिंग करती हुई आई और जायसवाल साहब पर प्रहार किया। ठीक उसी तरह Your Honor, उस रात भी कल्पना जी को ये दवा खिलाई गई थी। इन्हें उकसाया गया था कि उस कक्ष में जाकर अपनी सासू मां की हत्या करे, और इन्होंने किया। एक चाबी वाले खिलौने की तरह इनका इस्तेमाल किया गया है। नहीं, समझा नहीं। समझेंगे तो तब जब सोचेंगे। सोचते नहीं हैं आप, कभी कभी सोचा कीजिए। ये सोचिए कि क्यों अदालत में आकर उन्होंने आप पर ही प्रहार किया। क्यों? क्योंकि Your Honor, जब ये गहरी नींद में थी उस कक्ष में, मैंने इनके मस्तिष्क में ये बात भरी कि अदालत में आकर इन्हें जायसवाल साहब पर प्रहार करना है। जैसे ही ये अदालत में आई, इनके कानों में मैं वही बात फुसफुसाता रहा और इन्होंने जायसवाल साहब पर प्रहार किया। ठीक उसी तरह उस रात भी किसी ने इन्हें मार्गदर्शन दिया था इनकी सासू मां की हत्या करने के लिए, और इन्होंने किया। अगर चलो मान लिए, यहां पे तो पाठक साहब आपने साथ दिया, कल्पना के कान में फुसफुसाया और मुझ पर वार करवाया, लेकिन जिस दिन उसने अपनी सास का मर्डर किया था वहां पे कल्पना का साथ किसने दिया, किसने कान में फुसफुसाया? जो इनके साथ साथ गया था वहां तक, नीलिमा जी के कक्ष तक, की रैक से चाबियां उठाई, द्वार खोला, इन्हें अंदर भेजा और फिर चाबियां फिर से वहीं लटका दी। कौन? इनके अपने पति नवीन। पाठक साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैं अपने कमरे में सो रहा था। नहीं नहीं नहीं, आप अपने कमरे में सो नहीं रहे थे, आप जागे हुए थे। और केवल जागे हुए नहीं थे, आपकी पत्नी जब नींद में चल रही थी, हत्या करने जा रही थी, आप साथ साथ जा रहे थे उसे उकसाते हुए कि हत्या करे।
ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। तो पाठक साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के हाथों अपनी ही माँ का कत्ल करवाऊंगा? एग्जैक्टली और ऐसा ही आपने किया है, क्योंकि उस दिन मैंने आपके चप्पल के तलों पर वो जो कैंडल लैंप टूटा था उसके छोटे छोटे नीले नीले कांच के टुकड़े मैंने गड़े हुए देखे थे। अच्छा तुम्हें थोड़ी देर में करते हैं। नवीन तुम्हारे चप्पलों के तलों पर पाए गए, जिसका ये अर्थ होता है कि जब वो कैंडल लैंप टूटा उस समय आप वहां थे, जिसका ये अर्थ होता है कि जिस समय आपकी पत्नी स्लीप वॉकिंग कर रही थी आप उनके साथ साथ चल रहे थे उन्हें उकसाते हुए कि वो क्या करें। वाह केडी साहब, सिर्फ इसलिए कि मेरी चप्पल में कांच के टुकड़े थे मैं खूनी हो गया? यू राइट। एक छोटा सा सबूत और भी है मेरे पास, ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट और ये चाबियां। ये चाबियां आपके माताजी के शयन कक्ष के द्वार की, जिसे आप पहचानते होंगे। पहचानते इन चाबियों को? ऑब्वियसली पहचानते। हाँ, इन चाबियों पर आपकी उंगलियों के छाप पाए गए। ये रही रिपोर्ट उनकी, ये देखिए रिपोर्ट पर आपका नाम लिखा है नवीन मिश्रा, मतलब आपने इन चाबियों से अपनी माताजी के शयन कक्ष का द्वार खोला, अपनी बीवी को अंदर भेजा ताकि वो उनकी हत्या कर सके। नहीं नहीं, ये दैट इज नॉट पॉसिबल। ये चाबियां आपके घर की हैं या नहीं? आपकी माताजी? ऑफ कोर्स मेरे घर की है। और ये रिपोर्ट आपके नाम का है, देखिए नवीन मिश्रा लिखा हुआ है ऊपर। मेरा ही नाम लिखा हुआ है? बट आपका नाम लिखा हुआ है, मतलब आपकी उंगलियों के छाप इन चाबियों पर है। तो रिपोर्ट झूठी भी तो बनवा सकते हैं। झूठी किसने बनवाई? अगर चाबी असली है तो रिपोर्ट कैसे झूठी हो सकती है? तो मुझे क्या पता रिपोर्ट? इस रिपोर्ट के हिसाब से इन चाबियों पर आपकी उंगलियों के छाप है। और केवल इतना ही नहीं, इन चाबियों में से उस मॉइस्चराइजर की भी सुगंध आ रही थी जो आप अपने हाथों पर लगाते हैं। अब बताइए मेरे इन चाबियों पर निशान कैसे आ सकते हैं? सर मैंने इन चाबियों को अपनी उंगलियों से छुआ तक नहीं है। अद्भुत विचित्र बात है, कह रहे हैं कि छुआ ही नहीं, तो क्या आप कहेंगे कि रुमाल से छुआ था? ऑफ कोर्स रुमाल से पकड़ा था, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो अपनी उंगलियों के निशान उस पर छोड़। बेवकूफ नहीं थे आप नवीन जी, बेवकूफ आपको मैंने बनाया। ये उंगलियों के छाप आपके हैं ही नहीं, ना ही रिपोर्ट। लेकिन चलिए, जब इतना इकबाल जुर्म आप कर ही चुके हैं तो आगे की कहानी भी बता दीजिए। सुनना जरा, बोलिए। कल्पना से मेरी शादी पापा ने जबरदस्ती करवाई थी। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड रिया से शादी करना चाहता था, लेकिन अगर मैं कल्पना को छोड़ता तो पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते। मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं अपने खर्चे निकाल सकूं। और वहां मम्मी जी पता नहीं किस नर्मदा से मेरी शादी कराना चाह रही थी। मैं चारों तरफ से फंस चुका था सर, इसलिए मैंने इन सब से निकलने के लिए प्लान बनाया, ताकि मेरा कल्पना और नर्मदा दोनों से पीछा छूट जाए और मैं रिया से शादी करके जायदाद से भी बेदखल ना हो पाऊं। लेकिन इन सब के बीच मैंने दुख की बात है नवीन, न केवल तुमने अपनी माताजी को खोया है, अपनी पत्नी को, जमीन जायदाद, परिवार वालों को, सबको खो दिया। और केवल इतना ही नहीं, आजीवन जेल में सड़ते रहोगे तुम। मैं समझता हूँ प्रेम, इश्क, मोहब्बत, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता है कि उसे पाने के लिए किसी की हत्या करो, किसी और की बलि चढ़ा। मैं हूं कि इस घटना से और लोगों को भी सीख मिले। The defense rests your honor. ये अदालत नवीन मिश्रा को अपनी मां नीलिमा मिश्रा की हत्या का दोषी मानती है और उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देती है। कल्पना मिश्रा को इस पूरे षड्यंत्र में इस्तेमाल किया गया बिना उनकी जानकारी और होश के, इसलिए यह अदालत कल्पना मिश्रा को निर्दोष मानती है। लेकिन वो तब तक अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन रहेंगी जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। केस इज क्लोज। अरे साहब क्या है? कांग्रेचुलेशंस, आप फिर से केस जीत गए। थैंक यू। अरे साहब क्या है जसवंत साहब? ये केस आप मेरी वजह से जीते। रियली? कैसे? अपनी क्लाइंट को बेकसूर साबित करने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया उस चाकू से। हां वो चाकू कहां गई? ये चाकू। या सॉरी
लीजिए चाकू रख लीजिए। मैं क्या करूं, खो जाने के काम में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।